हेलो दोस्त, आज हम सीखेंगे फोटोज में बॉडीज के पोजीशन कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले में दिख रहा है, इससे कैसे बॉडी का मूवमेंट चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट लिया, ओके, देन विंडोज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हमारा क्विक एक्शन में रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कट गया। देखे आप लोगों ने, हम एक और लेयर लेंगे नीचे वाले लेयर से, थोड़ा लेयर का आईज क्लोज कर देंगे और जो मास्किंग वाला एरिया है उसे कंट्रोल दबा के माउस से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई एक्सपेंड, इसे हम 10 कर लेंगे, ओके। तो हमारा जो हमारा सेलेक्ट सब्जेक्ट था थोड़ा उसके एक्स्ट्रा लेयर सेलेक्ट हो गए। अब हम इसे एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर फील, देख रहे हैं आप लोग यहाँ प्रीव्यू में हमारा सब्जेक्ट इरेज हो गया, ओके। प्रेस कंट्रोल डी, हमारा सब्जेक्ट इरेज हो गया। हम ऊपर वाले लेयर का आई सबमिट करेंगे, आई से राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम एडिट में आएंगे, पपेटवरैप, ये हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसके बॉडीज में जो मूवमेंट देने हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा हैंड का हो गया। ये हमारा नेक का पोजीशन, ये हमारा लेग का, ये हमारे कमर, हमारा हो गया। अब अगर किसी भी लेयर का मूवमेंट करना है तो उसका जो हमने पोजीशन दिया है उसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने ये लेग का दिया, उसे मैंने सिलेक्ट किया और ये अल्ट दबाऊंगा तो उसके पास में ये सर्कल बन जाएगा। इसे हम हल्का माउस की मदद से रोटेट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। इस तरीके से आप पोजिशन चेंज कर सकते हैं, सेकेंड वाले लिए पैर का ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, फिर ये हाथ वाले मूवमेंट का, ये हमारा नेक का पोजीशन, ये हमारे कमर का पोजीशन, अप्लाई कर देंगे, ओके। तो हम देख सकते हैं कि हमारा बॉडी का मूवमेंट कैसे चेंज हो गया। पपेटवरैप की मदद से बॉडीज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।